सर अदा शर्मा की नई मूवी आ रही केरला फाइल्स, कैसा लगा आपको? जी हाँ बिल्कुल, देखिए द केरल स्टोरी बहुत ही बढ़िया फिल्म होने वाली है, मजा आ जाएगा बिल्कुल देख के, मुझे तो काफी ज्यादा उम्मीद है। क्योंकि देखिए उम्मीद मतलब ऐसा है कि फिल्म क्योंकि रियल इंसिडेंट को दिखा रही है जो कि घटना हो चुकी है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह को फॉलो करते रहते हो तो आपने भी कुछ साल पहले ये कहानियां पढ़ी होगी। कहानियां क्या, एक तरह से ये स्टोरीज कवर हुई थी बड़े बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेजेस पर, ये खबरें आई थी कि कैसे लड़कियां जो है जो कि स्टूडेंट है पढ़ रही हैं, ऐसी लड़कियां वो करके इन्फ्लुएंस होकर कम उम्र में जो है उनको वो कर दिया गया और वो फिर आइसिस में चली गई हैं इन्फ्लुएंस होकर वो करके, फिर वहाँ उनके साथ भी क्या अत्याचार हो रहे हैं, चीज़ें हो रही और बात ही खत्म हो जाती है। जब आइसिस में ही आप पहुँच गए हो तो फिर तो अत्याचार हो जैसी कुछ शब्द कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको मालूम है क्या है क्या नहीं है कहानी। अब कुछ लोग तो शायद इसको भी डिफेंड करने के लिए जाएंगे, तो मूर्खता की तो कोई हद नहीं है, वरना आइसिस को भी डिफेंड करने वाले लोग बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे लोग होते हैं। खैर उस बारे में बात हम छोड़ते हैं, लेकिन फिल्म को ज़रूर मैं कहूँगा कश्मीर फाइल्स की तरह ज़रूर कॉन्ट्रोवर्सी का सामना करना पड़ेगा, ये तय बात रहेगी केरल स्टोरी को, क्योंकि उसमें भी कोई स्टार नहीं था, फिल्म में 250 करोड़ से ऊपर की कमाई करी, यहाँ भी कोई स्टार नहीं है क्योंकि अदा शर्मा भी कोई स्टार नहीं है, उन्होंने भी कभी ऐसी फिल्में करी नहीं। 1920 से डेब्यू जरूर किया था लेकिन उसके बाद उनकी फिल्में कभी ऐसी चली नहीं, थोड़ा बहुत फिल्मों में देखी, लेकिन उनको कोई ऐसा एक तरह से नाम भी आमतौर पर ज़्यादा लोग जानते नहीं, बस यही जानते कि 1920 में हॉरर फिल्म में ये लीड हीरोइन थी, इतना जानते लोग। खैर बात करें फिल्म की तो फिल्म अच्छी देखने को मिलने वाली है, अगला कि बहुत सारे लोग अब कहेंगे प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश है, वैसा है फलाना है, लेकिन ये रियल स्टोरी है, हम सभी ने अखबारों में भी पढ़ी है, बहुत पुरानी तो नहीं है, अभी कुछ ही साल पुरानी है, 8-10 साल समथिंग के बीच की कहानियां हैं, उसी में हमको ये सारी चीज़ें मालूम चली थी, तो सब आपको देखेंगे तो पता चलेगा। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, आईसीएस में भर्ती करने के लिए पूरी दुनिया भर में ये सारे खेल चलते रहते हैं, और वो जो भी धार्मिक रूप से चलते हैं जैसे भी चलते हैं वो आपकी नज़रिया आप किस तरह से समझते, लेकिन आप देखें नेटफ्लिक्स पर भी इस चीज़ को लेकर सीरीज़ एक अवेलेबल है, स्वीडन की एक सीरीज़ थी फिल्म कैलिफट करके है, CALIFAT करके कैलिफट है, आप सर्च करिए गूगल पे यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करिए उसका टीज़र वगैरह देखे, और अगर आप देख सकें नेटफ्लिक्स पे तो उसको देखिए, 5 ही एपिसोड की सीरीज़ है, बहुत ही छोटी सी है, उस साल मेरे ख्याल से 2019 में आई थी वो, मैंने तभी देखी थी वो सीरीज़, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बहुत प्रॉपर ढंग से बताया कि स्वीडन में भी ये खेल कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के जो यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैं उनको ऐसे करके वो लिया जा रहा है, फिर वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ उनका क्या अत्याचार और क्या चीज़ों कैसे फंस रही है, एक लड़की की कहानी है कि वो कैसे निकल के फिर वहाँ से वापस आती है, वो पूरी चीज़ें बताई, तो ये सब कुछ रियलिटी में होता है, सभी जगह पर होता है, हमारे यहाँ चीज़ केरल में ज़्यादा देखने को मिली थी पहले, इसलिए देखने को मिला, देश के दूसरे हिस्सों में भी ये चीज़ होती है, लेकिन केरल में स्टोरी कवर हुई थी इस वजह से इसको लेकर केरल स्टोरी बनाई जा रही है, और मज़ा आएगा, मुझे काफ़ी उम्मीद है इस फिल्म से।